आइए अपनी idioms और phrases की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ऐड करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त idiom, through the grapevine। अब जैसा हम लोग को idioms के बारे में पता है कि अगर आप literal meaning देखेंगे तो खास समझ नहीं पाएंगे। grapevine generally grapes की जो vines होती हैं, जो बेल कह सकते हैं grape की, जो पौधा grape का होता है उसको grapevine कहा जाता है। एक जाल की तरह से बनता है, एक क्लाइंबर टाइप वाइन्स हैं वो। तो anyway, समझने वाली बात जो ये है कि आप अगर इसको लिटरली देखेंगे तो खास मतलब समझ में नहीं आएगा। दो सेंटेंसेस देखते हैं और उससे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आई फाउंड आउट थ्रू द ग्रेप वाइन दैट शी इज मूविंग टू अ न्यू सिटी नेक्स्ट मंथ। आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट द कंपनी माइट मर्ज विद अ कंपेटिटर। अब यहां पे मतलब है टू लर्न और हियर समथिंग इनडायरेक्टली। और अगर मैं कह सकूं तो ऑफन, थोड़ा स्पेस की कमी है, खैर ऑफन थ्रू अ गॉसिप और रूमर। समझने का मतलब यह है कि जब कोई चीज आपको एक इनफॉर्मल तरीके से पता चले, एक फॉर्मल चैनल के थ्रू ना पता चले, उड़ी उड़ी से खबर आए, कहीं कुछ कोई बात कर रहे हैं लोग, कोई गॉसिप चल रही है, कोई अफवाह सी उड़ी है, उस सोर्स से जब कोई इंफॉर्मेशन मिले उसको हम लोग कहते हैं थ्रू द ग्रेपवाइन। तो एक इनफॉर्मल तरीका एक है पता करने का, चीजें काफी कॉमन तरीका है बाय द वे। एंड I found out through the grapevine, मतलब मुझे एक informal chance से पता चला, बहुत पुख्ता खबर नहीं है लेकिन उड़ी उड़ी सी खबर आई है, एक अफवाह जैसी है। I found out through the grapevine that she is moving to a new city next month. I heard through the grapevine, मतलब भाई सुना है, तो जो सुना है तो कहीं से भी सुना होगा, आजकल सुन रहे हैं भाई ये सब, जो ऐसे बात करी जाती है उसके लिए through the grapevine. I heard through the grapevine that the company might merge with a competitor. मतलब यार सुना है कंपनी मर्ज कर सकती है किसी कंपेटिटर के साथ, तो उस तरीके की बात जब हो, जब सुनी सुनी सी बात हो, अफवाह जैसी उड़ रही हो किसी चीज को लेके, गॉसिप या रूमर जैसे हो, उनसे जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उस सोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रू द ग्रेपवाइन। तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला आइडियम है, जरूर इस्तेमाल करें। कहीं कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट बना रह गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।